एक और अहम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में तीन जजेस की तकर्री के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया गया है। जुडिशियल कमीशन तीन जजेस की तकर्रियों के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए लाहौर हाईकोर्ट के 6, सिंध हाईकोर्ट के 3 जजेस पर गौर होगा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसीब मलिक से। जी हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये जजेस की तकर्री जुडिशियल कमीशन का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब किया गया है और जुडिशियल कमीशन में 3 जजेस की तकर्रियों के लिए 9 जजेस के नामों को जो है वो जेर गौर लाया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए लाहौर हाईकोर्ट के 6 जजेस के नाम जेर गौर आएंगे जबकि सिंध हाईकोर्ट के 3 जजेस के नाम जो हैं वो जेर गौर आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर 6 जजेस में खातून जज जस्टिस आलिया नीलम का भी नाम शामिल है ज़राए के मुताबिक, जबकि दीगर जजेस में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जबकि जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आबिद अजीज शेख जो हैं वो शामिल होंगे, जबकि सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस शफी सद्दीकी और जस्टिस नेमतुल्ला जो हैं वो उनके नाम भी जेर गौर लाए गए हैं। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाईकोर्ट के मलिक शहजाद, उनका नाम भी जेर गौर होगा और इसी तरह चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जो हैं अकील अब्बासी, इनका नाम भी जेर गौर लाया जाएगा। 3 जजेस की तकर्री का ये मामला है जिसके लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब किया गया है और 7 जून को इसके ऊपर इजलास होने जा रहा है। जी हसीब मलिक, आपने डिटेल्स बताई, आपका शुक्रिया।